अच्छा, कैसी हो? हाँ यार, बहुत दिन हो गए, तुमसे बात नहीं हुई थी। तुम तो हमेशा फोन करती रहती हो, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है। हाँ अच्छा, ओहो, ये कैसे हुआ? आई मीन कब हुआ? तो अभी भैया ने कुछ सोचा है कि क्या करना है? उनको कोई ग्रेस पीरियड मिलेगा? हाँ यार, सुनने में तो बहुत आया है कि आजकल ये ले ऑफ्स हो रहे हैं और फिर सिर्फ 2 महीने का ही ग्रेस पीरियड मिलता है नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए। हाँ यार, देखो तुम अपने आप को संभालो और मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए 1-2 दिन में। प्लीज़ पैनिक मत होना। हाँ, चलो मिलती हूँ। कहाँ रहती है? सारे हम लोग तो याद करते रहते हैं, रेवती कहाँ है, रेवती कहाँ है। तू तो दिखाती ही नहीं है तेरा चेहरा। नहीं यार, बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हो गई। वो क्या है ना, उसके साथ शेड्यूल मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ यार, बच्चों के साथ शेड्यूल मैच करना डिफिकल्ट होता है। कुछ बताओ तुम्हारे बारे में, एज अ मदर बच्चों के साथ कैसे करते हैं आप, पूरा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और ज़रा बताओ आपके बारे में। मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है यार। आई स्टेड एट होम एज अ फुल टाइम मदर टू टेक केयर ऑफ माई किड्स। सो इट वॉज माई पर्सनल चॉइस टू टेक ए ब्रेक सो दैट आई कुड गिव ऑल द हैप्पीनेस टू माई किड्स। सी, व्हेन आई सी स्माइल इन देयर फेसेस आई गेट ऑल माई रिवॉर्ड्स। See, and motherhood and parenting is not a simple task, and it cannot be compared with anything. Yes? Yeah, right. See, मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं बाहर जाके काम करूं, तो कहीं ना कहीं मैं बच्चों को केयर नहीं कर पाऊंगी। सही कहा। Some women can manage both with perfection, but I feel कहीं ना कहीं तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बच्चों के अपब्रिंगिंग में, जो मुझे नहीं करनी है। आई ऑलवेज फेल्ट आई कांट डू जस्टिस टू बोथ। सो इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस एंड चॉइस टू लेट गो ऑफ माई ड्रीम्स फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ माई किड्स। सी, आई ऑलवेज फील प्राउड एज अ मदर। माय रोल एज अ मदर इज ऑफ कोर्स सेटिस्फाइंग, क्योंकि बच्चों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब तक मैं हमेशा उसके साथ ही रहती हूँ। जब बच्चों को अपनी खुशी शेयर करनी होती है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम टू लिसन।
जब बच्चों को ना फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है, तब किसी को ना उनका प्रॉब्लम सुनने के लिए चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि खुश रहूँ या रिलैक्स रहूँ, ताकि वो लोग मुझे आके अपने प्रॉब्लम्स बताए और मैं उनका सॉल्यूशन ढूंढ लूँ ठंडे दिमाग में। एंड व्हेन आई रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू देम, सीइंग देयर स्माइल्स ऑन द फेस, आई विल फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। हाँ, सही कहा रेवती तूने। एक्चुअली हम भी ऑफिस वर्क से टाइम निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों को टाइम दे सके उनके लिए, उनके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है तो हम समझ सके। हाँ, और वो रेवती, वो जो तुम बोल रही हो वो सही बोल रही हो। और होता क्या है, बच्चों को भी अपना अटेंशन चाहिए होता है, तो अपने को तब देना ही होता है। तो अगर अपन ना दें तो फिर उन्हें भी ख़राब लगता है और अपने को उनसे ज़्यादा खराब। लेकिन रेवती, आपके बच्चे तो अभी बड़े हो रहे हैं, आपकी बेटी तो 9th ग्रेड में भी है, तो आगे फ्यूचर में जाके आपने जॉब करने का कुछ सोचा है? क्योंकि आपको तो काफ़ी फ्री टाइम मिल जाएगा अभी। अगर जॉब करना ही है मुझे, मे बी दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू ऑफर मी समथिंग। वैसे रेवती, अगर आप जॉब करना ही चाहते हो तो यहाँ तो पार्ट टाइम जॉब के काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप 4 घंटे के लिए जॉब के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सुबह भी जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप 4 घंटे के लिए सुबह जा सकते हो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और उनके आने से पहले वापस भी आ सकते हो, तो आप इस तरह के ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो। मदर्स लव इज ऑलवेज प्रेशियस एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एनीथिंग एल्स। ये तो है। हाँ रेवती, आपका जो बच्चों के बारे में जो थॉट्स है ना, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने जो बोला ना रेवती, वो एकदम इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। मतलब हम लोग, सही बात है कि हम लोग कई बार नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन बोलने से हमें अभी और इंस्पायर हुआ है कि हाँ नहीं, हमें ये भी करना चाहिए। हाँ रेवती, आपने जो कहा वो एक्चुअली हम लोग सभी माओं के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि सारी माएँ ऐसे ही सोचती है, तो मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके साथ। अच्छा लगा रेवती। क्या कह दिया रेवती, हम सब बहुत इमोशनल हो गए, आपकी बातें दिल को छू गई, मुझे बहुत फील हो रहा है। ऐसे मत बोलो ना यार, हम सब मम्मी से ना।